हे गाइस, कैसे हो आप सब। अभी मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी अपनी स्किन की और हेयर की केयर कर लेनी चाहिए। तो अभी मॉर्निंग का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी मेरे को नहाते नहाते करीब आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं कुछ DIY यूज़ करने जा रही थी, सोचा वो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो क्या आप महंगे कंडीशनर यूज़ करते हो, केमिकल वाले, और कंडीशनर यूज़ करने के बाद भी आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं और उलझोल जैसे रहते हैं, रूखे रहते हैं? क्या ये समस्या रहती है कि जिस दिन आप बालों में कंडीशनिंग करते हो उस दिन तो बाल आपके ठीक रहते हैं, नेक्स्ट दिन आपके फिर बाल जो है उलझने लगते हैं, टूटने लगते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल भी जो ना केमिकल वाले जो कंडीशनर तो पहले बिल्कुल बंद कर दो। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि शैम्पू कम से कम करो एंड केमिकल वाले कंडीशनर, डाई सब बंद कर दो अगर आप अपने बालों को अच्छा ग्रोथ चाहते हो। मेरे बाल वैसे छोटे हैं क्योंकि मेरे बाल की ग्रोथ ही इतनी है, तो अगर जिसके बालों की ग्रोथ ही कम होगी तो फिर वो कैसे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी झड़ना टूटना तो कम ही रहता है। मैं अपने बालों में लगाने जा रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलते हैं, बताते हैं कि मैं क्या बनाने जा रही थी और मैं अपनी स्किन की भी केयर करने जा रही थी कि थोड़ा सा कुछ मास्क वास्क लगा लूँ तो थोड़ा सा चेहरे पे ग्लो आ जाए। आज मैं आपको स्किन और हेयर दोनों की केयर के बारे में बताऊंगी, और जिनकी शादी होने वाली है या जिनके घर में शादी है तो वो सब लोग इस तरह से स्किन की और हेयर की केयर करते हैं तो आपके बाल भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, बालों में चमक भी आ जाएगी और आप बाहर के जो केमिकल वाले हैं ना उनको करना बिल्कुल भी भूल जाओगे। तो सबसे पहले 2 चम्मच आंवला पाउडर लेंगे, और ये मैंने गुड ऐप्स का लिया है और ये मैंने purple.com से मंगाया था, और आप चाहो तो बाहर से भी ले सकते हो। और ये सिकाकाई पाउडर, क्योंकि इनका 100% प्योर रहता है तो मैं वहीं से मंगा लेती हूँ, आप चाहो तो खड़ा हुआ ला करके भी पीस सकते हो। तो ये 2 चम्मच आंवला पाउडर लिया है, 2 चम्मच सिकाकाई लिया है। अब इसमें दही डालेंगे, दही मैंने घर का लिया है तो आप देख सकते हो टिफिन में रखा हुआ है, तो आप चाहो तो बाहर का भी ले सकते हो, मैंने घर में जमाया है। और दही उतना लेंगे जितना आपका ये मास्क उसमें घुल जाए, तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके मिलाऊंगी क्योंकि ज़्यादा पतला भी ना हो। और ये मास्क आप अपने जो है हेयर के हिसाब से ले सकते हो, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप उस हिसाब से ले सकते हो, अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। मेरे बाल की लेंथ तो आपने देखी है, कम ही है। तो गाइज आप अगर इसको, अब मैं हाथ से ही मिला ले रही हूँ, क्या करूँ से, क्योंकि हाथ से ही लगाएंगे तो फटाफट। और ये आप ना नहाने से पहले लगा लो, बाकी आपके जो काम करने हैं ना सुबह के वो कर लो, तो आपके बाल देखोगे ना गैस बिल्कुल चमक आ जाएगी बालों में, बिल्कुल रूखापन, झड़ना टूटना बंद हो जाएगा। ये इतना बढ़िया कंडीशनर करता है ना बालों को, तो ये DIY आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। तो ये मास्क बन के तैयार हो गया है और होममेड आपका डीप कंडीशनिंग करेगा आपके बालों को, जो बालों को नेचुरली डीप कंडीशनिंग करेगा। तो ये तैयार है गाइस, और आप इसका यूज़ करके देखिएगा, आप एक बार जरूर मेरे कहने से यूज़ करिएगा। तो पहले मैं क्या करूँगी, अपने बालों को अच्छे से सुलझा लूँगी। ऐसे ही मैंने सुबह से बालों को इसी तरह से बांध के रखा है, तो आप एक अच्छे से ब्रश लेकर के या अच्छे से कॉम लेकर पहले बालों को अच्छे से सुलझा लो कि उनमें कोई गांठ वांठ न रह जाए। और हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अपने बालों को अच्छे से कॉमिंग किया करो दिन में कई बार, जैसे आपके बाल का झड़ना रुक जाए। तो ये कर लेंगे और मैं इसको लगाना शुरू करूँगी मास्क को। तो मास्क को भी आप उसी तरह से लगाओ जैसे मेहंदी लगाते हैं, और मैंने मेहंदी का भी आपको वीडियो दिखाया था, तो इस तरह से ले लेंगे। और इसको बिल्कुल रूट्स में भी लगाना है, अच्छे से लगाना है, और एक एक लेयर को लेते जाएंगे और बस इस तरह से घुमा के बीच से ही शुरू करेंगे और अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे। तो आप देखोगे फटाफट फटाफट लग जाएगा, और बाकी जो टाइम रहता है ना आप उसमें अपना काम करते रहो। मॉर्निंग में उठ के इसको बस लगा लो, इसमें जो दही है ना, दही बालों को बहुत अच्छा कंडीशनर करता है, आपके बाल जो रुके रुके रहते हैं ना। और इस समय थोड़ा सा मौसम भी ऐसा है बरसात का सा, तो मानसून का, तो उसमें बाल झड़ते भी बहुत हैं। तो आप देखोगे आपके बालों में नई जान आ गई है, और बस इसी तरह से लगा लेंगे। आप चाहो तो आंवला और सिकाकाई को खड़ा भी ले सकते हो और उसको घर में कूट पीस लो, मैंने तो एल्प्स गुडनेस का ही मंगा लिया था। और ये पाउडर पेस्ट लगाने में भी बहुत आसान है, बस आप इसको दही में मिला के आराम से लगा लो, बहुत अच्छी कंडीशनिंग करेगा, आपके बालों को रेशम जैसा बाल बना देगा। आप मेरे से पूछते रहते ना मैम आप अपने बालों में क्या लगाते हो, तो बस मैं यही सब करती रहती हूँ। अब इस तरह से पूरे बालों में लगा लिया,
लगाने के बाद आप घर का कोई भी काम करना चाहो तो आप आराम से करते रहो, बस आपका ये काम अपना वर्क करता रहेगा। इसको मैंने इसी तरह से हाथ से लगा लिया है। तो पहले मैं अपने हाथों को क्लीन कर लूँ, सब मैंने हाथ से ही लगाया है और अच्छे से मसाज करके छोड़ दिए। बस इसको आधा घंटा लगा रहने देंगे और नॉर्मल वाटर से क्लीन कर देंगे, सिर्फ नॉर्मल वाटर से क्लीन करेंगे। कभी भी आप अपने बालों को ना गर्म पानी से मत धोना, गर्म पानी से अगर बाल धोगे ना तो बालों की जड़ें ना कमजोर हो जाती है, तो उनको कभी भी आप गर्म पानी से ना धो। अब बालों की केयर तो हो गई, अब मैं अपनी थोड़ी सी स्किन की भी केयर कर लूँ क्योंकि आधे घंटे ये लगा रहेगा, तो तब तक मैं अपने फेस पे भी मास्क लगा लूँगी। काफ़ी चेहरा भी थोड़ा सा डल डल लग रहा है, तो आज मैं यूज़ करूँगी वायम आयुर्वेदा के फेस मास्क। आज जो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये है रूप सौंदर्य वाला। तो इसको एक स्पून हम इस तरह से निकाल लेंगे बाउल में। अब मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच दही डाल के अच्छे से इसको फेंट लेंगे। स्किन की केयर ना एक दिन में आप अगर आप करोगे, सोचो कि एक ही दिन में आपकी स्किन अच्छी हो जाए, अच्छी वाली हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको डेली डेली आपकी स्किन की केयर करनी चाहिए, तभी आपकी स्किन अच्छी होगी, है ना। तो ये मैंने इस तरह से पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं, अगर ये आपका बच भी जाता है ना तो आप इसको फ्रिज में रख दो, बिल्कुल आपका ख़राब नहीं होगा। और इसको मैं बस इसी तरह से हाथ से लगा लूँगी। अब इस मास्क को मैं हाथ से ही पूरे फेस पे इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहो तो नेक में, हैंड में भी लगा लो, काफ़ी अच्छे हैं। वायम आयुर्वेदा के मैंने काफ़ी सारे मंगाए थे, इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। मेरी स्किन थोड़ा सा ड्राई है तो मैं इसमें दही मिला के कर रही हूँ। आप चाहो तो एलोवेरा और गुलाब जल भी मिक्स कर सकते हो, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप गुलाब जल से ही इसको मिक्स करना, तो आपको इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और इन सारी चीज़ों का जो परचेस लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब गाइज इसके बाद जो गंदगी हुई ना, मेरा इतना सारा गिर गया, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। मेरी पैंट में भी गिर गया और ट्राउजर में और बाहर भी गिर गया, यही रूप सौंदर्य वाला जो मेरे को ज्यादा प्रिय था। इसके मैंने काफी सारे मंगाए थे, ये देखो रूप सौंदर्य वाला ना, ये डीप क्लींजिंग वाला, और यही मैंने बना के रखा है। इसको थोड़ा सा अब मैं कल भी लगा लूँगी, बाकी काफ़ी सारे इसमें से मंगाए थे। ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी है और ये काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप इस तरह से मास्क ले सकते हो और इनको डेली डेली अगर आप लगाओगे ना तो आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये टेरमिक वाला है, स्किन को प्योरीफाई करेगा। तो सबके जो है ना परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चेक कर लीजिएगा। और बालों को और फेस को बस मैं आधे घंटे बाद धो दूँगी, ये स्किन डिटॉक्स करता है। तो वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट्स तो जरूर करिएगा, और इसीलिए मैं आपको सारा दिखाई दे रही हूँ। और आप लोग भी ना जब इस तरह से बालों में लगाओगे तो आप भी अपने बालों को देखोगे, आपके बाल काफ़ी अच्छे हो गए। देखिए ये ड्राई स्किन के लिए है तो, और मेरा कितना सारा गिर गया, मेरे को सबसे ज़्यादा दुख ये लग रहा है, बहुत सारा गिर गया। और ये है चेहरे पर एंटी एक्ने पैक है, तो काफ़ी सारे पैक हैं। और जो है आंवला सीखा का भी मैंने वहीं से मंगाया था पर्पल से, तो आप चाहो तो बाहर से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ से मंगाना चाहें तो मंगा सकते क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल मिलता है। और आप ये रूप सौंदर्य वाला देख सकते हो, मेरा इतना ही सा बचा है, काफ़ी खर्च हो गया, काफ़ी गिर गया। तो आप भी घर पर अपनी स्किन की हेयर की इस तरह से केयर करो, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, स्किन भी अच्छी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर करके। थैंक यू।